गुलाबो चौक के पास स्थित शुक्ला नगर के रहवासी इंदनो क्षेत्र में रहने वाले मनोज नामदेव के द्वारा सार्वजनिक नाली पर अवैध कब्जे से किए गए निर्माण से परेशान हैं। रहवासियों का कहना है कि इस बात की शिकायत अधिकारियों से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि उक्त निर्माण के कारण आने वाले बरसात के समय नाली का पानी ओवरफ्लो हो जाने से घरों में भर जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रहवासियों ने बताया कि मनोज नामदेव के द्वारा उक्त जगह पर अवैध कच्चा मकान बनाया गया था, जिस पर लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए उस पर पक्का मकान बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी शिकायत रहवासियों ने नगर निगम कमिश्नर से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक में की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। दो मिनट आप बताइए। यहाँ विगत 30 वर्षों से आप ये देख रहे हैं कि अतिक्रमण सरकारी जमीन पर किया गया है, जिस कारण ये पूरे कॉलोनी के निवासी इस कदर परेशान हैं कि विगत 30 वर्षों से इनकी प्रॉपर्टी का क्षय हो रहा है, पानी कमरों के अंदर इतना भरा रहता है। 30 वर्षों से व्यक्ति यहाँ पर इतना परेशान है और इसके प्रति ना जाने कितनी बार आवेदन दिया गया प्रशासन की तरफ से, इतनी बार कंप्लेंट की गई, लेकिन आज तक उसका किसी भी प्रकार का कोई भी निराकरण नहीं किया गया। आज ये बात बड़ी विडंबना की है कि इतना प्रयास और इतनी शिकायत करने के बावजूद भी ये समझ पाना जरा मुश्किल हो रहा है कि इस पर क्यों कदम नहीं उठा रहे जा प्रशासन क्यों मूक दर्शक बनी हुई है यहाँ पर। ये ज़मीन जो है 1956 में हमारी माताजी के नाम से खरीदी गई थी। 1956 से ये प्लॉट पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक का हमारा था। उस समय तक ये मकान सिर्फ ये यहाँ तक था, ये जो लाल पोर्शन दिख रहा है ये सब उसके बाद का ये डेवलपमेंट है। और उसके कारण क्या होता है, पूरा रोड में पानी भरा रहता है, बरसात में निकलना मुश्किल होता है, घरों के अंदर पानी भर जाता है, एक एक दो दो फुट पानी अंदर घुस जाता है। मैं काफ़ी पुराना रहवासी हूँ यहाँ का, और अनेक बार ये शिकायत की गई कि यहाँ का पानी की निकासी जो है नहीं, बरसात में सड़कों पर कम से कम दो दो फुट पानी, मकान नीचे होने के कारण तमाम घरों में कम से कम दो दो फुट पानी भरता है। हमने अनेक बार शिकायत करने के बाद लोग देख के चले गए, पर पानी की निकासी आज तक नहीं हो पाई। और पानी की निकासी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि विधिवत रूप से नाली नहीं है। नाली इसलिए नहीं है कि मकान का निर्माण करके अर्बुद कर दिया गया तो वो नाली निकल नहीं पा रही सीधी। अगर सीधी नाली हो जाए तो पानी की निकासी आराम से निकलने लगेगा और लोगों के घर। हम ये चाहते हैं कि ये नाली जो है वो सीधी हो जाए। सीधा अगर नाली हो जाती है तो हमारे यहाँ पानी निकलना बंद हो जाएगा। तो सिर्फ हम एक ही डिमांड करते हैं कि जो भी उचित कार्रवाई वो उचित हो। हम ये भी नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, अगर सही है तो सही बने, अगर सही नहीं है तो उसका अति विलम्ब, बरसात आने वाली है, लोगों के घर में तीन तीन चार चार फुट हजारों लाखों रुपया का सामान हर साल नुकसान हो रहा है, पूरे घर में डेढ़ डेढ़ फुट पानी आता है,